अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां 6 नवंबर से विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में एक साथ हित चिंतक अभियान का प्रारंभ करेगी। 2024 में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर एक वर्ष स्पर्शी संगठन, जिसमें सभी वर्गों, पंथों, जातियों का समावेश, समाज का प्रत्येक वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कर्मकार आदि तक पहुंचने के लिए यह अभियान अगले 15 दिनों तक चलेगा, जिसका उद्देश्य पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक हिंदू समाज के लोगों तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक है सदस्य बन सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद 1.5 लाख से अधिक गाँव तक पहुँचने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम का प्रारंभ दिनांक 6 नवम्बर 10:30 बजे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय भाई द्वारा अयोध्या रिकाबगंज हनुमानगढ़ी पर होना निश्चित हुआ है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे भारतवर्ष में घर घर जाकर 20 का कूपन कटवा कर विश्व हिंदू परिषद ने जागरूकता अभियान चलाया। अयोध्या रिकाबगंज हनुमानगढ़ी से विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय ने इस अभियान की शुरुआत की है। सारे भारतवर्ष में अर्थात अंडमान निकोबार, सिक्किम और अरुणाचल में भी पैदा हो रहा है। आज से चलेगा, 15 दिन चलेगा, अर्थात 3 रविवार आएंगे। कार्यकर्ता अपेक्षा की गई है, घर घर जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के बारे में 2-4 मिनट में कुछ बताएंगे, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। अपने साथ जोड़ने के लिए कार्यकर्ता जनता से 20 रुपया का मांग करेंगे, उसके बदले में कोई कागज़ देंगे, कूपन देंगे। ये एक अभियान है 2022 का, सारे भारत का, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि हम हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम 5 लाख स्थानों मोहल्लों तक हम जाएंगे। हम विगत वर्षों में 60 लाख लोगों तक गए हैं। जनवरी फरवरी 2021 में राम जन्मभूमि के लिए हमने 5 लाख से भी अधिक स्थानों पर 11 करोड़ लोगों को संपर्क किया है। ये राम जन्मभूमि का काम तो नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के साथ लोगों को जोड़ने का काम है। हमें उम्मीद है कि हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे। आप सबका सहयोग, उसके लिए आपके प्रति धन्यवाद।